स्वागत है दोस्तों एंटरटेनमेंट विकिपीडिया चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं मॉर्बियस द लिविंग वैम्पायर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये स्पाइडरमैन का बहुत बड़ा विलन रह चुका है। कॉमिक्स में हमने देख लिया है, 1971 में एक कॉमिक्स आई थी द अमेजिंग स्पाइडरमैन नाम से, इशू नंबर 101। जी हाँ दोस्तों, 101 नंबर की ये कॉमिक्स थी जिसमें हमें फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ था मॉर्बियस। और हाल ही में इसका ट्रेलर आया है जिसका डिटेल में ब्रेकडाउन मैंने किया है कि एक्चुअल में मार्वल मूवीज के अंदर इसको कैसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा और कैसे वेनम मूवी से और बाकी सारी चीजों से भी लिंक हुआ है ये पूरा का पूरा मॉर्बियस कैरेक्टर। वो आपको वीडियो मिल जाएगा यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिए, वो वीडियो जाके देख लीजिए, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन के सबसे बड़े आर रेटेड विलन के बारे में, जो कि कॉमिक्स में आर रेटेड बताया गया है, बट मूवी में हमें आर रेटेड डेफिनेटली नहीं देखने को मिलेगा, ये पहले ही सोनी ने कन्फर्म कर दिया था। तो आज हम जानेंगे इसकी ओरिजिन के बारे में, तो चलिए देखते हैं, लेट्स बिगिन। शहर में मॉर्बियस के फैमिली में एक बच्चा पैदा हुआ जो कि थोड़ा बहुत दिखने में अजीब था, थोड़ा बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि उसको बहुत ही ज्यादा रेयर ब्लड डिजीज था। जी हाँ दोस्तों, एक खून की बीमारी बोल सकते हैं हम, जो कि 100% में से किसी एक ही % बच्चे को होती है, ऐसी बीमारी इसको हो चुकी थी। और इसी कारण के वजह से उसको बहुत ज़्यादा बचपन में यातना झेलनी पड़ी। बच्चा बचपन जैसा एंजॉय करते हैं बच्चे, उस तरह से वो एंजॉय नहीं कर पाया, उसका बचपन उससे छीन लिया गया, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, बिकॉज ऑफ ब्लड डिजीज के कारण। बट इसको यहाँ पे भगवान ने ब्लड डिजीज दिया है, ये सारी यातनाएं तो दी है, बट साथ ही साथ एक बहुत अच्छी चीज़ दी है जो कि उसका ब्रिलियंट दिमाग, जो कि आगे जाके ह्यूमन और एलिमन में बायोलॉजिस्ट बन जाता है। इमिस निकोस नाम से इसका एक बेस्ट फ्रेंड भी होता है, जो दोनों साथ में मिलके बचपन से ही बड़े होते हैं, वो उसका साथ देता है बहुत सारी चीज़ों में और ब्लड डिजीज क्योर करने में भी वो साथ देता है। साथ ही साथ वो दोनों ग्रेजुएट होते हैं और ग्रेजुएट होने के बाद हमारे माइकल मॉर्बियस को मिलता है नोबल पुरस्कार। जी हाँ दोस्तों, नोबल पुरस्कार से वो सम्मानित हो जाता है, इतना ज़्यादा ब्रिलियंट वो बताया गया है कॉमिक्स के जरिए। और तब वो क्योर ढूंढता है और क्योर ढूंढने के साथ साथ उसकी मुलाकात होती है मार्टिन नाम से एक शख्स के साथ, जो मार्टिन बैंकक्रॉफ्ट है, उनके साथ उसकी मुलाकात होती है और आगे चल के वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। और फिर वो ब्लड डिजीज का क्योर ढूंढ रहा है निकोस और हमारा माइकल मिलके, तो उनको पता चलता है कि भाई बैट्स के जरिए कुछ एक्सपेरिमेंट करके ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है, ऐसा उनको लगता है। तो वो क्या करते हैं, बैट्स का जो ब्लड है उसके सैंपल्स कुछ लेके, कुछ उस चीज़ों में हेर फेर करके वो उसको एक्सपेरिमेंट खुद के ऊपर करना चाहता है, जो कि हमारा माइकल है, जिससे उसका ब्लड डिजीज ये पूरा का पूरा क्योर हो सके। इन्हीं कारणों के वजह से वो जाते हैं शिप पे, जहाँ पे मार्टिन भी, जो उसकी गर्लफ्रेंड है, वो उसके साथ आती है, बहुत सारी मना करता है वो, फिर भी वो सुनती नहीं है और वो उसके साथ वहाँ पे डेक पे यानी उस शिप पे आ जाती है। शिप पे आने के बाद जब वो सोई रहती है रात में, तब निकोस और हमारा माइकल नीचे लैब में आके ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो पूरा जो बैट का ब्लड है वो इसके खून में डाल देते हैं, हमारे माइकल के खून में निकोस डाल देता है, और तभी अचानक से ये बहुत ही बड़ा लिविंग वैम्पायर बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस जैसे ही इसके अंदर ये पूरा ब्लड जाता है, वो डिसीज तो क्योर हो जाता है, बट एक वियर्ड सी शक्ल में ये मॉर्बियस करके यानी एक वैम्पायर करके बन के उभर जाता है। और उभरने के साथ साथ हमें पता चलता है कि यहाँ पे इसको अभी खून की प्यास लग चुकी है, उसको खून चाहिए। तो वो क्या करता है, अपने जो दोस्त है निकोस उसको ये पीछे ही पड़ के उसका खून चूस लेता है। और कुछ ही टाइम बाद उसको पता चलता है कि हाँ, ये मैंने क्या कर दिया, ये तो बहुत ही गलत कर दिया मैंने, तो अभी मैं मार्टिना को भी ऐसे ना कर दूँ। इसी वजह से वो उस शिप से कूद जाता है और बोलता है कि मैं मेरा खुद का लाइफ पूरा का पूरा ख़त्म कर दूँ, क्योंकि मैं एक वैम्पायर में कन्वर्ट हो चुका है। इसी वजह से वो ख़त्म करने की कोशिश करता है, वहाँ पे पानी में कूद जाता है, बट कुछ टाइम के बाद उसको सांस लेने में तकलीफ होती है, तो वो फिर से ऊपर आ जाता है। और जैसे ही ऊपर आता है तो पास के मछुआरे उसको बचा लेते हैं, बचाने के साथ साथ वो फिर से वहीं पे वही चीज़ करता है, उन सारे मछुआरों को खा लेता है, यानी एक तरह से उनका खून पी लेता है और उन सभी को मार देता है। और उसके जो पूरे बॉडी में ट्रांसफॉर्म हुआ है, इस वजह से उसको विंग्स भी मिल चुके हैं, जिस वजह से वो उड़ सकता है। तो वहाँ से उड़ के जाता है वो US, जहाँ पे उसका सामना होता है हमारे वियर्ड से स्पाइडरमैन के साथ। वियर्ड से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्पाइडरमैन तब एक अलग ही डिसीज से जूझ रहा रहता है,
जिसको उसको 6 हाथ निकल आए रहते हैं। इस डिजीज से वो जूझ रहा है, साथ ही साथ जो लिजर्ड है वो भी वहाँ पे हमें पता चलता है। तो स्पाइडरमैन और मॉर्बियस की यहाँ पे लड़त चलती है, वो लोग फाइट कर रहे हैं और उसी के बीच आ जाती है लिजर्ड। और लिजर्ड जो मॉर्बियस है, लिजर्ड उस पर भिड़ जाता है तो मॉर्बियस उसको काट लेता है और वहाँ से भाग जाता है। जैसे ही मॉर्बियस उसको काटता है, कुछ ही टाइम के बाद वो जो लिजर्ड है वो ह्यूमन ट्रांसफॉर्म होने लगता है, यानी उसका पूरा जो वो डिसीज है वो जो लिजर्ड में कन्वर्ट हो गया है वो कम होने लगता है। तो लिजर्ड और स्पाइडरमैन को पता चलता है कि भाई जो इसका खून है वो हमारे लिए क्योर हो सकता है, वो एक क्योर हमारे लिए एक औषधि बन सकता है। हमारे जो ये जो डिजीज है जिसको 6 हाथ निकल गए और वो लिजर्ड में कन्वर्ट हो गया है, तो वो नॉर्मल ह्यूमन में भी कन्वर्ट हो सकता है और इसके 6 हाथ भी क्योर हो सकते हैं। तो आगे जाके स्पाइडरमैन उससे फिर से लड़ता है और फिर से लड़ने के साथ साथ वो ब्लड सैंपल ले लेता है और लिजर्ड और स्पाइडरमैन दोनों मिलजुल के ठीक ठाक हो जाते हैं। ओवरऑल यही है मॉर्बियस की कहानी जो कि हमें कॉमिक्स के जरिए पता चलती है। एक लॉन्ग लिविंग वैम्पायर बताया गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूंखार भी है और बहुत ज़्यादा अच्छा भी बताया गया है। तो मार्वल मूवीज़ में हमें डेफिनेटली यानी सोनी पिक्चर्स की तरफ से ये जो मॉर्बियस आ रहा है ये एंटी हीरो टाइप रहेगा, यानी थोड़ा बहुत विलन और थोड़ा बहुत सुपर हीरो के उसके कंटेंट्स रहेंगे। ओवरऑल इसके पास सारी एबिलिटी है जो वैम्पायर्स के पास होती है, सारी की सारी नहीं बट बहुत ज़्यादा एबिलिटीज़ है। हाँ, ये सुपर वैम्पायर है जिस वजह से ये सूरज में जलता नहीं है, बट उसकी जो पावर्स है वो थोड़ी सूरज के रोशनी के कारण कम हो जाती है, इसलिए वो शाम के बाद ही निकलना पसंद करता है जब उसकी फुल पावर फुल पोटेंशियल में वो रहता है। इसके पास है सुपर स्ट्रेंथ और सुपर एबिलिटी, ये भी चीज़ें हैं। और साथ ही साथ इसके पास है बैटमैन की सेंस वाली चीज़ें, जो कि बैट्स की सेंस वाली चीज़ें रहती है वो भी है इसके पास, क्योंकि उसने बैट्स का जो खून रहता है वो उसके अंदर डाला रहता है। इसी वजह से बैट्स की कौन सी चीज़ें जो कि बैट्स कुछ देखते नहीं है, वो उनकी जो वेव्स है वो फैलाते हैं इधर उधर, आसपास की चीज़ें वो लोग फील कर सकते हैं। यही मॉर्बियस के अंदर भी एक सुपर पावर्स हमारे सामने लाई गई है। ओवरऑल देखेंगे कि मार्वल मूवीज़ में ये कैसे क्या इंट्रोड्यूस होगा, सोनी इसको कैसे क्या इंट्रोड्यूस करवाएगा MCU में, वो भी एक देखने लायक बात रहेगी, बट डेफिनेटली ये मॉर्बियस हमें MCU मूवीज़ में नज़र आने वाला है। तो ओवरऑल यही है मेरी मॉर्बियस की ओरिजिन। अभी तक आपने अगर इसका ट्रेलर नहीं देखा है तो जाके देख लो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ट्रेलर ब्रेकडाउन देखना चाहते हो तो आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, बहुत सारे ट्रेलर्स आपको मिल जाएंगे, साथ ही साथ कुछ रिव्यूज़ मिल जाएंगे। ओवरऑल और क्या क्या चीज़ें आपको पता है मॉर्बियस के बारे में, और अगर आपने 90s का स्पाइडरमैन कार्टून देखा है तो आपको मॉर्बियस के बारे में बहुत सारी जानकारी पहले से ही होगी, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग इंटरेस्टिंग कंटेंट्स मैं हमेशा से लेके आता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।